अभी मैं आया हूँ बाड़मेर के धनाऊ पंचायत समिति का सरूपे कैतला गांव। यहाँ पर मैंने रास्ते में देखा पेड़ लगे, मुझे नहीं पता था बाहर से देखने पर किसके हैं। अंदर आया तो पता चला कि ये अंजीर का पौधा है, यहाँ पर अंजीर लगे हुए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ डेजर्ट में भी अंजीर होती है। इसमें पकी हुई है क्या कोई भी एक बार देखना चाहता हूँ, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ये पका हुआ है क्या, इसको खा सकते हैं भी? इसको अभी मैं हूँ यहाँ सरूपे के तला उस फार्म हाउस पर। यहाँ जो खेती करता है जो भाई, इस भाई ने बोला कि चावल बना दो आपके लिए खाना। मैंने बोला चावल को क्या बनाए, रोटी सब्जी बनाते हैं, मैं ले आता हूँ सब्जी। बोला मेरे को बनाने नहीं आती, तो मैंने बोला बुझाने मैं बना लूँगा। फिर मैं गाँव में गया सब्जी रोटी वो आटा लेके, इसके बाद आटा भी नहीं था क्योंकि उसको बनाने ही नहीं आती, आटा था ही नहीं। बोला मैं तो घर पर जा कर के खा के आ जाता हूँ। अब बन रही सब्जी, ऑलमोस्ट सब्जी बन चुकी है और सुकी फुली को ना मारा फुली बढ़िया सीखी हटाई रही। भाई दूध लेके आया अभी गर्म करके, इनके यहाँ भैंस रखी हुई है, यहाँ दूध निकाल के घर पे भेज देता है। थोड़ा रख लिया था हमारे लिए, मस्त पी दे। आपका नाम मैंने पूछा ही नहीं, क्या नाम है? नाम जानू। जानू, तेरा नाम क्या है? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, इतनी देर होगी मैंने नाम भी नहीं पूछा उनका। बस ये अकेले हैं, यहाँ रहते हैं पास ही गाँव सरूपे का तला, वहाँ उनका घर है, यहाँ खेत में रहते हैं और यहीं पर खेती बाड़ी करते हैं। अभी मैं हूँ भारत पाक बॉर्डर पर, बाड़मेर जिले का सरूपे का तला का गाँव है। यहाँ पर काश्तकार हैं जो यहाँ पर खेती बाड़ी देख रहे हैं। किसकी खेती है चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। सब क्या क्या लगा रखा आपने यहाँ पर? अंजीर है, हाँ, बोरली है, हाँ, बादाम है, हाँ, और जामुन है, और ऑरेंज ये संतरा भी है, संतरा है। अच्छा, तो ये जो अंजीर की खेती यहाँ पर अपने रेगिस्तान में कैसे हो जाती है? कुछ मुश्किलें नहीं आई आपको? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, बराबर होती है? हाँ, एकदम। तो यहाँ पर आपने कितनी लगा रखी है? 300 पौधे। हाँ, 300 पौधे। अच्छा, चलिए देखते हैं पौधों को। इन पौधों के बीच में जो गैप है वो आपने कितना रखा है? दोनों के बीच का जो गैप है ना, 10 के 10 का, दोनों साइड 10-10 फीट का गैप है। और यहाँ पर अंजीर लगी हुई भी है। ये क्या साल में एक बार लगती है या फिर एनी टाइम लगी रहती है? अन टाइम लगी रहती है। अच्छा, 24 कलाक। यहाँ पर कोई लगी हुई अभी कौन सी, कोई पकी हुई है क्या? कच्ची कच्ची तो दिख रही है ये, बड़ी है। अच्छा, ये कच्ची है, कोई पकी हुई है क्या? आगे होएगी। अच्छा, ऐसी आती है। अच्छा, ये तो कच्ची है अभी, अभी लगी है, दूसरी तोड़ के ले गया। अच्छा, ये वाली पकी है या कच्ची है? अभी कच्ची था। अच्छा, पकी हुई एक भी नहीं है? नहीं। 9 बजे आपने अभी लास्ट टाइम कब फल होता रहे हैं? अभी हो गया है 15 दिन। अच्छा, 15 दिन हुआ अभी निकाले हैं अपने। अच्छा, कितना हुआ था लगभग? 1 क्विंटल। 1 क्विंटल? हाँ, 1 क्विंटल ही हुआ है। 1 क्विंटल अभी निकाला है। अच्छा, उससे 2 क्विंटल पहले से लेके गया कंपनी वाला। अच्छा, 2 क्विंटल पहले लेके गए, 1 क्विंटल अभी। हाँ, तो उसका मार्केट कहाँ है? वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, वो सैंपल लेके गए थे? हाँ, सैंपल लेके गया है। और पैसे कितने, क्या भाव दिए थे? 1200 रुपये के जी। इस ताज़ा फ्रूट के या फिर सूखने के बाद में? ताजे का। ताज़ा के 1200 रुपये? हाँ, तो आप वहाँ मंडी में इतना महंगा तो नहीं बिकता है? वो मेरे को ऐसे बता रहा है कंपनी वाला। वो तो पकने के बाद में 1200 रुपये होते हैं मेरे ख्याल से, सूखने के बाद में जब ड्राई फ्रूट बन जाता है तब 1200 रुपये होते हैं, लेकिन ताज़ा फल के तो इतने रुपये नहीं होंगे। वो तो लेके गया अभी तक, मेरे को रिजल्ट वापस नहीं बताया है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इतना महंगा तो ताज़े फल का रेट नहीं होना चाहिए, 100 के आसपास होना चाहिए,
ताजे फल का तो 100 रुपए किलो ही होगा ना। ओ, मेरे को अभी तक मालूम नहीं बताया है। मंडी में बेचते हैं ना तब? हाँ, तो 100 रुपए के आसपास होगा या ज्यादा? ऐसा जो होगा। अच्छा, सूखने के बाद 1000-1200 रुपए लग जाते हैं। ये पका हुआ है? अच्छा, ये पका हुआ है। हमको तोड़ सकते हैं क्या इसको? ये जिनावर ज्यादा खा जाता है इधर। अच्छा, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। इसको क्या बीज के ये छिलके समेत खाते हैं क्या? हाँ, ऐसे डायरेक्ट। अच्छा, या फिर अंदर अंदर वाला खाते हैं या फिर पूरे छिलके को पूरे को ही खाते हैं? डायरेक्ट ऐसे ही खाता है। अच्छा, देखो। अच्छा, ऐसे खा जाता है। काफ़ी टेस्टी है। तो यहाँ तो ये बालू है, डेजर्ट है, डेजर्ट में भी ऐसे ऐसे पौधे हो जाते हैं, इसको तो पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती होगी। पानी की अठवाड़ी देते? अठवाड़ी मीन्स एक बार, दिन में एक बार? हाँ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पानी के लिए ड्रिप, जो बूंद बूंद सिंचाई है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। बूंद बूंद से पानी जाता है, ज़्यादा पानी नहीं लगता, आसपास को वेस्टेज पानी नहीं होता है, तो सीधा पौधे के अंदर ही जाता है। वो जाली क्या पक्षियों से बचाने के लिए रखी है क्या? हाँ, पक्षी ज्यादा लगता है। अच्छा, पक्षी खा जाते हैं इसको। हाँ। अच्छा, कलम लगती है? हाँ, कलम लगती है। ओ, उधर बड़ा है कलम। मैंने तो लगाया। सारे पौधे कलम से ही लगे हैं या फिर ना, पहले से लेके आया था कंपनी से। अभी तो कलम में लगा रहा हूँ। क्या आपको पता है एक पौधे का क्या रेट है? कंपनी जहाँ लेके आते हैं वहाँ से? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, सेठ को मालूम है। सेठ को मालूम है? हाँ। सेठ कौन है यहाँ पर? सेठ चौटंगा वाणिया, शंकर लाल वडेरा। शंकर लाल वडेरा चौटन के हैं? हाँ। अच्छा, ये बड़ा है कलम में। अच्छा, ये आपने लगाई? हाँ, ये कलम करके लगाया पौधा है। गई साल लगाया है। अच्छा, एक साल हो गया है? हाँ, एक साल हो गया। इन पौधों को कितना टाइम हो गया बाकी सबको? इसको 3 साल हुआ है। अच्छा, 3 साल हो गए। 3 साल में कितनी बार फसल हो? एक टाइम 200 किलो निकाली, अभी 100 किलो निकाली है। 200 किलो निकाल के कंपनी वाले, एक क्विंटल निकाला मैंने। तो वो कहाँ आपने, आपने कहाँ पर बेचा? मैंने तो बाजार में दे दिया है सेठ को। अच्छा, सेठ लेके गया। सेठ ने क्या भाव बेचा पता है क्या? वो मेरे को नहीं बताया। अच्छा, अगर आपको पता हो अंजीर के भाव क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अभी ताजे अंजीर की क्या रेट है ना, सूखने से पहले मीन्स ताजे फल की? वो खा जाता है सब। क्या? ये फल खा जाता सब। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है, पक्षी वो खा जाते हैं। जाल आपने बिछा तो रखा लेकिन यहाँ से ऊपर तो है ही नहीं, टूट गई। आधी जगह है, आधी जगह नहीं है, टूट गई, सड़ी हुई है। अच्छा, फिर जाल लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो सारे पक्षी खा जाएंगे। ये इसका एक ड्रॉबैक है, जाल जरूरी है। ड्रॉबैक तो क्या है, सावधानी रखेंगे। कच्चे को नहीं तोड़े तो खा जाता है, ऐसा होता है तो तोड़ना पड़ता है, नहीं तो खा जाता है। लेकिन जाली बिछा दो तो कैसे खाएगा? जाली लेता लेके नहीं आता सर। अच्छा, टूटी हुई लेके आया था दूसरे गांव से। अच्छा, नहीं तो कच्ची ही तोड़ना पड़ता है। हाँ, कच्ची तोड़ना पड़ता। लेकिन कच्ची तो खाने में टेस्टी नहीं होगा। नहीं, ये तो पकी हुई थोड़ी। अच्छा, मैंने तो अभी तक मजदूरी कुछ नहीं लेता हूँ इसकी। अच्छा, ऐसे ही पिलाई था, ऐसे ही बिना मजदूरी गई? हाँ। ऐसा क्यों? सेठ की तरफ। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, बिना मजदूरी गई? मेरे को मजदूरी नहीं बोलता है, आप बोलता है, आप सेठ बेरे पे बैठे तो मेरा बिला लो इतना। अच्छा, और आप क्या काम कर रहे हो? मैंने बाजरी है। अच्छा, बाजरा बो रहे हो? हाँ, बाजरा है, जीरा बोआ था। अच्छा, उसके साथ में इसकी भी देखभाल कर रहे हो? इसकी देखभाल कर रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या हिस्सा देते हैं, क्या मजदूरी? आधा। अच्छा, आधा? हाँ, आधा कमा के सेठ को देंगे, आधा मेरा। और जो उसमें खर्चा आता है उसका? वो सब हमारा। वो आपका पूरा? हाँ, खर्चा मेरा। लाइट बिल? लाइट बिल सेठ भरेगा, हमारा पानी उसका है। अच्छा, सामान सारा उसका है, बाकी जो बीच में जो खर्चा आता है, खाद पानी जुताई, वो सब आपकी और मेहनत आपकी। 50% इनको मिलता है जीरा और बाजरा जब बोते हैं। लेकिन ये छोटा सा ही एक बीघा में है तो बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत देखभाल कर लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती होगी? इसकी कटिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी है, इसकी सबको कटाई करनी है। अच्छा, ये कटाई करनी पड़ती है नीचे से, ये जो बढ़ रहे हैं इनकी कटाई करनी होती है, कटाई करने की। और ये जो खरपतवार है, घास है, ये भी हटानी पड़ती है? हाँ, सब। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, हटाई नहीं है।
जल गया है हाँ। सबको निकालना पड़ता है, बाकी जो जले हुए नहीं है बाकी एकदम हरे हैं उनको रखना है हाँ। जो थोड़ा सा जल गया उसको हटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है सबको। अच्छा, मेहनत तो ज्यादा होती है। इन अंजीर के पास में इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट, ये अंजीर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही लगाई है, ओनली 300 पौधे लगाए हैं। अगर ये सक्सेस हो जाते हैं तो फिर ये पूरे 50 बीघा में लगाएंगे। यहाँ पर इन्होंने एक जामुन का पेड़ भी लगाया है जिसमें कि बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। मैंने इतनी बड़ी तादाद में जामुन लगे हुए नहीं देखे, जो मैंने पौधा देखे हैं जामुन के उसमें इतने ज़्यादा फल नहीं होते हैं। ये हाइब्रिड है तो इसमें बहुत ज़्यादा फल होते हैं, तो अगर जामुन की खेती भी की जाए तो भी यहाँ बहुत सारी हो सकती है। अगर ये सक्सेस हो जाता तो इनका ये पहला ट्रायल बेस। इससे पहले फल उतारे हैं क्या इन्होंने? नहीं, अभी तक फल उतारे नहीं है, पहली बार ये। चिड़िया खा जाता है, जंगली जानवर। अच्छा, पका हुआ है क्या कोई इसमें? पका हुआ है, लाल लाल पका हुआ है। अच्छा, पका हुआ है। ये भी कच्चे ही होंगे थोड़े तो। ये खा जाता है चिड़िया सब। पकने के बाद तो पक्षी खा जाते हैं। खट्टे हैं वे, पूरे पक्के नहीं है। जामुन और यहाँ पर बादाम की उन्होंने 4-5 पौधे लगा रखे हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कम कम लगाए हैं, जो पौधा सक्सेस हो जाएगा उसी को फिर और एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर इन्होंने मौसमी का भी पौधा लगा रखा है जिसमें शायद मौसमी लगी हुई है लेकिन पकी हुई नहीं है, अभी कच्ची कच्ची है। अच्छा, इसमें अभी तक फल उतारे हैं क्या आपने मौसमी से? हाँ, कई साल उतारा है। अच्छा, एक पौधे से कितना हुआ था? 200 फल लगा ऐसा। अच्छा, 200 फल लगे थे हाँ। लेकिन ये भी छोटा है इसलिए कम लगे हैं हाँ। नहीं तो ज़्यादा लगते होंगे। ज़्यादा लगते हैं, अभी तो खा के जग गया है, चिड़िया बहुत खाता है। कितने साल का हुआ ये पौधा? ये हो गया है 4 साल का। 4 साल में आपने एक बार उतारे हैं अभी हाँ। 3 साल का पौधा होने पर लग जाते हैं फल। और इधर इन्होंने एक और पौधे लगा रखे हैं जो कि बेर। बेर में ज़्यादा फल आता है, इसमें बहुत ज़्यादा फल आते हैं इसमें, लेकिन अभी तो छोटे हैं, इसमें फल आए नहीं होंगे। नहीं हाँ, फल आया था, अभी आया था, कई साल आया था। अच्छा, 2 बार उतार लिए हाँ, 2 बार उतार लिया। ये कितने साल के हैं पौधे? इसको हो गया था 3 साल। 3 साल का पौधा है ये हाँ। अच्छा, एक पौधे पर कितना फल आता है लगभग? क्या गिनती नहीं होती है, ज़्यादा होता है। अच्छा, अंदाजा नहीं लगाया होगा आपने अभी, सेठ को पता होगा कितना होता है, वो तो ध्यान रखते हैं ना कितना मुनाफा हो रहा है कितना नुकसान। 1 क्विंटल हो जाता है, कितना? 50 बोरडी है। 50 बोरडी यहाँ पर हाँ। ये 50 पौधे हैं हाँ। 50 पौधों पर 1 क्विंटल हाँ, एक बार उतारा है। अच्छा, 1 बार उतारा 1 क्विंटल, लेकिन अभी ये छोटे हैं इसलिए वो कम लग रहा है हाँ। लेकिन बड़ा होने पर ये एक पौधे पर भी 50-50, 100-100 किलो लग जाते हैं, 1 क्विंटल एक पे ही लग जाता है। अगर इनका एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है कि हमारे यहाँ रेगिस्तान में भी अंजीर हो सकती है, बादाम हो सकते हैं, मौसमी हो सकती है या फिर जामुन हो सकते हैं, तो किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के किसान हैं जो ट्रेडिशनल खेती ही कर रहे हैं, अभी भी कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, रिस्क नहीं लेना चाहते, एक्चुअली पैसे नहीं होते, ये तो सेठ हैं, इनके पास पैसे बहुत हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि क्या पता कौन सी फसल यहाँ हो जाए और उससे बम्पर पैदावार हो जाए तो किसानों को बड़ा मुनाफा होगा। मेरे ख्याल से ये अंजीर सक्सेस हो जाएगी। और यहाँ पर डेजर्ट में खजूर हैं जो डेट पाम वो यहाँ बहुत आयात में होता है, क्योंकि डेजर्ट में का ही पौधा है खजूर, जो कि आलमसर में, बाड़मेर में आलमसर है, वहाँ पर उन्होंने बो रखे हैं, बहुत सारा बम्पर पैदावार ली उन्होंने, हर साल 20-30 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो खजूर किसान भाइयों को लगानी चाहिए डेजर्ट में, क्योंकि ये पौधा ही डेजर्ट का है। और कभी वीडियो बनाऊंगा मैं वहाँ पर आलमसर जाकर, जिन्होंने खजूर बो रखी है वहाँ पर जाकर के जानकारी लेते हैं कि उन्होंने कितनी बार इसको सेल कर दिया और कितना पैदावार होता है। तो बने रहिए चैनल के साथ में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।